कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारें हर तरह से लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं। हाल ही में जबलपुर की पॉस कॉलोनी में एक बर्थडे पार्टी मनाई गई, जिसमें रईसों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार चेतावनी दी जा रही है कि आपस में फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाकर रखें और भीड़भाड़ में ना रहें, जिससे संक्रमण के खतरे को टाला जा सके। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें अनंत तारा कॉलोनी की हैं, जहां सोसाइटी के अध्यक्ष पीके चतुर्वेदी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उन्हें कार में बिठाकर पूरी कॉलोनी में घुमाया गया, जिसमें काफी लोग कार के आगे पीछे नाचते गाते चले आ रहे थे। समाज को दिशा देने वाले पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल लोगों की यह करतूत सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही है, जिससे प्रशासन और शासन के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ गरीबों के लिए लागू की गई है? क्या इन रईसों को कोरोना संक्रमण नहीं होगा? बहरहाल ये वीडियो पुलिस अधिकारियों के पास भी पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या होगी, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पार्टी बनाई गई थी, उसको लेकर कैसे मांगा? बीती रात 30 मई की रात में अनंत तारा रेसिडेंसी के सोसाइटी के अध्यक्ष पीके चतुर्वेदी जी हैं, उनका जन्मदिन था। उसका एक समाचार प्रकाशित हुआ है आज, उसका पढ़ने के बाद में जानकारी हुई, उसको पता किए, पता चला है कि उसने बिना अनुमति के, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, धारा 144 के तहत कर्फ्यू लागू है कोरोना महामारी को लेकर के रोकथाम के हेतु, और उसके बावजूद भी उसने बिना अनुमति के अपना जन्मदिन के अवसर पर कई लोगों को बुला करके और पार्टी मनाया है, और जिसमें सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हुआ है, वो मास्क नहीं लगाए थे, फोटो में दिख रहा है स्पष्ट। इसके लिए SDM रांची श्रीमती मनीषा वास्तव्य मैडम की ओर से प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई है, और पी के चतुर्वेदी और हरीश रिजवानी और अन्य के खिलाफ धारा 188-34 भारतीय दंड संहिता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। विषय में अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।